हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिली पनीर की बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन हिट करें। टोफू सोयाबीन का पनीर है, जो एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट है और हर जगह ईजिली अवेलेबल है। इसकी इन्ग्रीडियंट लिस्ट ये है। सबसे पहले किचन टिश्यू में रख कर मैंने टोफू से एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया है। फिर एक बोल में मैंने सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस और नमक को डाल के मिक्स किया है। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस ना हो तो आप एक टीस्पून टोमेटो केचप में हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा वाइट विनेगर और पानी डाल के मिक्स करें और चिली गार्लिक सॉस की जगह इस्तेमाल करें। फिर एक पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल गर्म किया है और उसमें टोफू के पीसेस धीरे धीरे डाल दिए हैं। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक साइड से सिकने के बाद से मैं इसे पलट दूंगी ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से कुक हो जाए। एक अच्छा नाइस गोल्डन कलर आने के बाद मैंने इसे किचन टिश्यू पे निकाल लिया है, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल हट जाए। अब बचे हुए तेल में मैं चॉप्ड लहसुन डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी हल्का गोल्डन होने तक। फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ। मैंने स्प्रिंग अनियन के वाइट और ग्रीन दोनों ही पार्ट्स यूज़ किए हैं। स्प्रिंग अनियन को सागा प्याज भी बोलते हैं। शिमला मिर्च मैंने शामिल कर दिया है, इसे भी एक बार मिक्स करूंगी। और अब मैंने इसमें सॉस का मिक्सचर जो बनाया था वो डाल दिया है। साथ ही मैंने कॉर्नस्टार्च को थोड़े से पानी में घोल लिया है। ध्यान रखें, कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर जब भी घोलें तो उसे ठंडे पानी या सादे पानी में ही घोलें, गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर कुक करने के बाद मैंने इसमें टोफू के पीसेस डाल दिए हैं। टोफू के पीसेस डाल के मुझे ज़्यादा नहीं कुक करना है, मैं सिर्फ 2 मिनट कुक करूँगी। और फिर मैं इसे थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन के साथ गार्निश करूंगी और सर्व कर दूंगी। आप इसे प्लेन राइस, फ्राइड राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं और एज अ साइड डिश भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन हिट करें एंड इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट्स प्लीज़ डू शेयर विथ मी एंड शेयर दिस रेसिपी। थैंक यू।